गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में। इसका स्टेटमेंट क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज बाय द पाथ। मीन्स अगर कोई वायर है, स्ट्रेट वायर, उसमें करंट सप्लाई इस डायरेक्शन में, आपके अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, तो उसके अराउंड जो क्लोज्ड पाथ बनेगा वहाँ जो आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा और वायर का लाइन इंटीग्रल, क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल, वो म्यू नॉट इनटू आई के बराबर होगा। अब यही हमें प्रूफ करना है। जैसा कि फिगर में हमने ले ही लिया है कि एक स्ट्रेट वायर हमारे पास है एक्स और वाई, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है वाई से एक्स के डायरेक्शन में। आर डिस्टेंस पे सपोज दैट कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्लोज पाथ पे। अब हम इसमें राइट हैंड थंब रूल अगर लगाएं तो करंट का डायरेक्शन थंब की तरफ है, तो बाकी जो हमारी फिंगर्स होंगी जिस डायरेक्शन में फोल्ड है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, यानी टेंजेंटिकल डायरेक्शन हो गया इस सर्कुलर पाथ के, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर है। अब बायो सेवर्ट लॉ अगर हम लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आर पे कितना आता है इस पॉइंट पी पर वायर की वजह से, किसी एक पॉइंट से लेकर के आर यहाँ है और उतना ही किसी और डायरेक्शन में लेंगे, तो आर और आर टू आर करके निकालते हैं तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई में टू और टू कैंसिल, टू से फोर कैंसिल हो जाता है। यहाँ मैंने बताया है टू आर डायरेक्ट ले लिया है दोनों पॉइंट पर निकालने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये आ गया है, ठीक है। ये बी की वैल्यू आ गई। अब हमें ये लाइन इंटीग्रल करना है। हमने लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डी एल कर लिया। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट कर देते हैं, कॉस थीटा, दोनों के बीच एंगल लगा देते हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच अगर हम एंगल की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी टेंजेंटियल हो गया सर्कुलर पाथ के, यानी एंगल बी और जो डी एल का हम डायरेक्शन लेंगे दोनों का सेम एंगल हो जाएगा, तो जीरो डिग्री ले लिया हमने। कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई। बी मैग्नीट्यूड हमने बाहर कर लिया, लाइन इंटीग्रल डी एल का होगा स्मॉल एलिमेंट का जिससे पूरे वायर का निकल सके। अब डी एल का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हम डी एल एक पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं कि इसकी वजह से एक लाइन इंटीग्रल यहाँ इतना है, ये डी एल है, तो जब इसका लाइन इंटीग्रल करेंगे तो पूरा सर्किल का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। अब सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है टू पाई आर, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल की वैल्यू हम रख देंगे टू पाई आर, और बी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी टू पाई आर और आर कैंसिल हो जाता है, म्यू नॉट आई आपका आ जाता है। ओके, थैंक यू। एम्पियर सर्कुलर लॉ पे कुछ एप्लीकेशन से देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आता है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ये पहला इक्वेशन हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ से ले लिया, ठीक है। बाकी फिगर से देखते हैं। इसका लेफ्ट साइड यानी ये तो हमने ले ही लिया फर्स्ट, अब फिगर में देखते हैं। वेक्टर बी और वेक्टर डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का लाइन इंटीग्रल वही कॉस जीरो हो जाएगा। बी बाहर लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल जो कि टू पाई आर, पहले हमने अभी बायो सेवर्ट लॉ में पढ़ा हुआ है, तो बी इंटू टू पाई आर। अब इसकी वैल्यू आ गई बी इंटू टू पाई आर, तो क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, यानी इक्वेशन सेकंड हो गया। फर्स्ट दोनों को कंपेयर कर दें और बी की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ये फिगर है, ठीक है, ये सोलेनॉइड था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया गया है। यहाँ कोई कंडक्टर अगर प्लेस है या करंट फ्लो को हमें दिखाना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर पाथ बना लिया है, क्लोज सरफेस बना लिया। कंसीडर अ क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी, आई बीइंग द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय ए बी सी डी, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब जो हम पूरा मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल निकालेंगे वो अलग अलग लेंथ के लिए होगा। पहले रेंज ए टू बी के लिए, फिर बी टू सी के लिए, सी टू डी के लिए और फिर डी टू ए के लिए, फिर सबको ऐड कर देंगे, वही हमने यहाँ किया है। लेकिन अब इसमें अगर हम देखें तो B टू C और A टू D ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के,
तो थीटा 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 की वैल्यू, तो ये दोनों जहाँ रेंज हम लेंगे वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो बी से सी और ए से डी ये दोनों जीरो जीरो हो गए, और साथ में अगर हम ये पोर्शन देखें सी और डी ये सोलेनाइड से काफ़ी दूर है, तो यहाँ भी लगभग मैग्नेटिक फील्ड जीरो मान लेते हैं, तो सी और डी कैंसिल, केवल इस पोर्शन में आएगा ए टू बी। तो बी ये सी टू डी भी हमने जीरो ले लिया, केवल ए टू बी ले लिया रेंज, बी बाहर कर लिया और डी एल का हमने रेंज लगा दिया। तो रेंज लगा दिया है तो डी एल हमने इसका एक स्मॉल पार्ट लिया मान लो, तो ए बी ये पूरी डिस्टेंस ए से बी तक हमने एक्स मान लिया, तो जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एल आया उसकी वैल्यू हमने एक्स मान ली, तो बी इंटू एक्स कितना आ गया, बी एक्स आ गया, यहाँ एक्स हमने लिख दिया तो बी एक्स ये आ गया। और एम्पियर सर्कुलर लॉ से इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई, तो ये म्यू नॉट आई हो गया, और इसका राइट साइड आ गया है बी एक्स। एक्स यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं, आई करंट है। अब मान लेते हैं जो लूप हमारे सोलेनाइड में लूप बनाते हैं, एक लूप में करंट फ्लो हो रहा है आई नॉट, एन लूप टोटल है स्मॉल एन, तो टोटल करंट जो फ्लो, यहाँ मैंने लिखा है इफ आई नॉट इज करंट इन ईच टर्न यानी वन लूप, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा अगर एन एन लूप है, तो एन इंटू आई नॉट हो जाएगा, और साथ में लेंथ लेकर के, यानी एन एक्स आई नॉट, एक्स क्या होगा लेंथ का हो, लेंथ होगा लूप का, ये पूरी आई की वैल्यू हमने पुट कर दी। एक्स एक्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है म्यू नॉट एन आई नॉट, किसके लिए, एन टर्न्स के लिए। लास्ट जो एप्लीकेशन है इसका वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइडियल सोलेनाइड, टोरॉइड के लिए, टोरॉइडियल सोलेनाइड इस तरह से बनाते हैं जो फिलिंग कार्ड्स लेकर के उसके ऊपर कॉपर का वायर लपेटते हैं, ये हमने डायरेक्शन दिखा दिया है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। तो अब इसके अंदर कहीं हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कोर में ही निकालना होता है, कोर के बाहर जीरो मान के चलते हैं क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाता है। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए निकालना है, हमने पहला इक्वेशन लिख लिया एम्पियर सर्कुलर लॉ से। अब इस कंडीशन को अगर हम देखें तो वेक्टर बी और वेक्टर डी एल का लाइन इंटीग्रेशन में बी हमने कॉमन कर लिया और डी एल का लाइन इंटीग्रेशन हो गया इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई हमने लिख दिया क्योंकि ए यहाँ रेडियस हमने लिया। अब दोनों को इक्वल कर दिया है, बी की वैल्यू आ गई, सिंपल है। और अगर हम एन, ये सिंगल लूप के लिए आ गया, एन लूप की बात करें तो एन इंटू आई नॉट, आई नॉट ईच टर्न से करंट बाउंड है, एन टोटल लूप है, तो टोटल करंट आपका कितना हो जाएगा, एन आई नॉट, तो एन आई नॉट हमने आई की वैल्यू रख दी यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक, थैंक यू।